नमस्कार, जावास्क्रिप्ट हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसकी कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। दो टाइप की होती है, कंडीशनल और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारी टू वे डिसीजन स्टेटमेंट होती है। ये दो तरह के सिनेरियो को हैंडल कर लेती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वन सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकेंड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा कंट्रोल फ्लो चल रहा है। यहाँ पे हमने कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारा इफ़ वाला कोड यहाँ पर चलेगा और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाएँगे। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमारा एल्स वाला कोड चलेगा और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा, इफ़ के साथ हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ब्रैकेट के बीच में जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होंगी ग्रीन कलर में मैंने लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर हमारी ये वाली कंडीशन इफ़ के अंदर जो लिखी हुई फॉल्स होगी तो हमारी एल्स वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। अब इसका हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम कोशिश कर रहे हैं बताने की कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स अगर 33 से ज़्यादा हैं तो वो पास है, अदरवाइज़ वो फेल है। तो ये हमने एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने 46 स्टोर कर दिए और इफ़ कंडीशन लिखी बीच में, मार्क्स अगर हमारे 33 से ज़्यादा हैं, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 33, तो ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट इज पास, तो स्टूडेंट इज पास का मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर मार्क्स 33 से कम होंगे तो एल्स वाला कोड लिखना है हमने ब्रैकेट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट इज़ फेल, तो स्टूडेंट इज़ फेल वाला मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिटेल। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कंप्यूटर में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सिंपल जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को प्रिंट कैसे करना है, उसे रन कैसे करना है, वो प्रोसेस अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। एक जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कैसे रन करना है उस प्रोसेस को समझिए, उसके बाद आप ये वाला कोड देखिए। तो इसमें हमारे सेम प्रोग्राम जो हम टेस्ट करके देखेंगे वो ये वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेक करके देखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं उनके बेसिस के ऊपर हमने मैसेज प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर कि आप पास हो या फेल हो। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने लिख रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक वेरिएबल लिया जिसमें मार्क्स मैंने कर दिए 16, और कंडीशन के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 33, अगर मार्क्स आपके 33 से ज़्यादा हैं तो इफ़ वाला ब्लॉक है वो चलेगा, हमारा स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये वो फंक्शन है जिससे स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट हो जाता है जो डबल कोट के अंदर लिखा होता है कि स्टूडेंट इज़ पास। और अगर ये वाली कंडीशन क्या है फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है स्टूडेंट इज़ फेल ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को कंसिडर करें मार्क्स इज 16, तो इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 33, 16 इज़ ग्रेटर देन 33, तो ये बात गलत है, फॉल्स है। फॉल्स होगी तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन पे ऊपर प्रिंट होके आएगा स्टूडेंट इज़ फेल। तो ये अगर आपने चेक करना है तो रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट इज़ फेल। और अगर मैं मार्क्स कर देता हूँ 66 और रिफ़्रेश करता हूँ तो आ रहा है मैसेज मेरा स्टूडेंट इज़ पास। इसी तरह मैं सेकंड प्रोग्राम यहाँ पे रन कर सकता हूँ कि आर यू एलिजिबल फॉर बॉट और नॉट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
बोर्ड के लिए मैं एज ले लूँगा यहाँ पे, और एज पे मैं कंडीशन लगा दूँगा एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो एलिजिबल फॉर बोट, एल्स में क्या लिख दूंगा मैं नॉट एलिजिबल फॉर बोट। तो कंडीशन चेक हुई, अगर एज 18 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा 6 ग्रेटर देन 18, तो ये बात ट्रू है, तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर एलिजिबल फॉर बोट। तो रिफ्रेश करूँगा, आ गया मैसेज आपका एलिजिबल फॉर बोट। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 16 और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया नॉट एलिजिबल फॉर बोट। तो इस तरह आप टू वे से प्रोग्राम को चेक करेंगे, इफ़ वाली कंडीशन भी चेक हो गई और आपकी एल्स वाली भी चेक हो गई। और इवन ऑड का प्रोग्राम अगर आपने करके देखना है कि नंबर इवन है या ओड है, तो मैं इवन वाला बता देता हूँ, ओड वाला आपने अपने आप कर लेना है। आपने एक वेरिएबल लिया नंबर, और नंबर पे आपने कंडीशन लगा देनी है इफ़ नंबर मॉडुलस 2 ।। जीरो, तो यहाँ पे चेक होगा 16 मॉडुलस 2 ।। जीरो मतलब 16 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका इफ़ वाला कोड चलेगा, अदरवाइज़ आपका एल्स वाला कोड चलेगा। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि 16 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना है इवन का और यहाँ पे मैसेज करना है ओड। तो इस केस में मेरा मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर इवन। जब मैं नंबर को कर देता हूँ 17 तो 17 मॉडुलस 2 ।। जीरो इसका मतलब हुआ 17 को 2 से डिवाइड करूँगा और रिमाइंडर आएगा मेरा 1। 1 इज़ ।। जीरो, तो ये बात फॉल्स है, गलत है, तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा ओड। तो इस तरह आप ओड वाला भी कर सकते हैं। अगर आपने चेक करना है कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये नंबर लिया है आपने चेक करना है, नंबर को 5 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर क्या आएगा, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो मतलब नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। अब 17 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 2। 2 इज़ नॉट ।। जीरो, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, तो यहाँ पे चलेगा 20 मॉडुलस 5, तो 20 मॉडुलस 5 होगा आपका 0। 0 इज़ ।। जीरो, तो ये बात सही है, तो आपका इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इस कोड को सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। इसी तरह नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10, 15, 16, आप बाकी भी कोड चेक कर सकते हैं। एक मैं आपको बात बता दूँ कि अगर आपको ये करेक्टर पढ़े नहीं जा रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी सेट कर लीजिए 480 या 720, ताकि आपसे ये जो वर्ड हैं वो अच्छे से पढ़े जाएँ, रीडेबल हो जाएँ। तो ये था आपका इफ एल्स ब्लॉक, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ठीक से। तो अभी आप देखेंगे कि इफ़ एल्स का आपने प्रोग्राम प्रैक्टिकल फाइल पे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी लाइनों वाली साइड मैंने प्रोग्राम का सिंटैक्स लिख दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, और जो वाइट पेज है, ब्लैंक पेज है, वहाँ पे आपने क्या कर दिया हुआ है, इसकी आउटपुट शो कर दी हुई है, स्टूडेंट इज़ फेल, ये ब्राउज़र पे आपने शो कर दिया हुआ है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।